ग्रामीण चौकीदार, वेतन तो इनका 7,000 रुपया है, मांग थी उनकी कि इनको ईपीएफ में कवर किया जाए। ईपीएफ में 12.5% वेतन उनका कटेगा और 12.5% ही एम्प्लॉयर देगा, यानी पंचायतों की ओर से भी 12.5% जाएगा। और तो एक प्रकार से 25% उनकी ये जमा पूंजी उनको आगे चल करके ईपीएफ के नाते उसका परिवार का लाभ हो जाएगा, परिवार सुरक्षित हो जाएंगे। हमारा सारा फोकस ये है कि हर परिवार, उसका भविष्य ये सुरक्षित होना चाहिए। सामाजिक सुरक्षा की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। 14,000 के लगभग ये चौकीदार हैं। इसी प्रकार मिड डे मील स्कीम के सब लोगों को हमने कहा कि वो प्रायोरिटी से जो अपनी मुख्यमंत्री समृद्धि योजना, उसका लाभ उठाने के लिए इन 15 दिनों में ही अपने फॉर्म भरें। इसके लिए स्कूल एजुकेशन को हमने स्पेशली एक नोटिफिकेशन निकालने के लिए कहा है कि इन 15 दिनों में जो हमारी 6,000 रुपया प्रति परिवार को सहायता देने की बात है योजनाओं के लिए, तो वो लाभ उनको जल्दी मिलना शुरू हो जाए, जिसमें उनकी पेंशन भी है, जिन पे उनकी बीमा भी है, और बाकी जो पैसा बचेगा उनका बीमा और पेंशन के अलावा वो उनके अकाउंट में, जनधन अकाउंट में सीधा चला जाएगा, ताकि ये 6,000 रुपये महीने का लाभ उनको अगले महीने से मिलना शुरू हो जाए। दिव्यांग कर्मचारी और अधिकारियों को ये पावर डिपार्टमेंट पहले उनको 3% जो दिव्यांग कर्मचारी, दिव्यांग बंधु होते हैं उनको लाभ नहीं मिलता बिजली कंपनियों में, लेकिन अब इस आरक्षण का लाभ बिजली कंपनियों में भी दिया जाएगा। ये उनके साथ आंगनवाड़ी जो वर्कर्स हैं उनको 2018 में जो उनके साथ एक फैसला हुआ था, उस फैसले के अनुसार उनके वेतन बढ़ा दिए गए थे। उनकी कैटेगरी बना दी गई थी स्किल्ड और अनस्किल्ड, दो कैटेगरी में, साथ में उनका हर 6 महीने बाद महंगाई के अनुपात में उनका वेतन बढ़ेगा। तो उनके जो वेतन की दरें इस 6 महीने के बाद, बल्कि अब तो 1 साल हो गया, इस 1 साल के अंदर जो भी उनका वेतन वृद्धि है वो भी फाइनल कर दिया कि उसकी वेतन वृद्धि कर दें, और डिपार्टमेंट को कहा कि हर 6 महीने बाद उसे बात ना करनी पड़े, 6 महीने बाद या एनुअल ऑटोमेटिकली उसका इंक्रीज ये होना शुरू हो, ताकि कभी डिमांड ही ना आए। इस प्रकार से डीए की जैसे वृद्धि दर होती है एम्प्लॉइज की, उसी प्रकार महंगाई का जो इंडेक्स है कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन, उसके हिसाब से उनका ऑटोमेटिकली बढ़ता रहे, ताकि छोटे कर्मचारियों का जो एक्ट बनाया था गेस्ट टीचर्स का कि इनको 58 वर्ष की आयु तक हटाया नहीं जाएगा, और उसमें उसको नोटिफाई नहीं हुआ था किन्हीं कारणों से, नोटिफाई हो जाएगा और उनको भी 3% की जो डीए की किस्त है वो लागू होकर के, और वो भी इसमें उनको मिल जाएगा। रूल्स भी इसके वो बना दिए जाएंगे।